हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से एक ये चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और एक चैप्टर जो हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज, इन दो चैप्टर्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा कोई और इम्पॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स में होता है। ये वो बेसिक टर्म्स हैं जो एक दफ़े आपने समझ ली, एक दफ़े अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम में आप कभी गलती नहीं करोगे। अगर आपने अपना प्रोफेशन फाइनेंस में जाना है तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और एक जो नया चैप्टर मैं बता रहा हूँ जर्नल एंट्रीज, उसको बहुत अच्छे से समझना है जो आपके पूरी ज़िंदगी चलेगा। इन दोनों चैप्टर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चैप्टर मेरे हिसाब से नहीं है। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए और इसमें कुछ भी आपको अगर ज़रा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन है आपके लिए। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में जो भी मैं नया पढ़ाऊंगा वो आपके पास आता रहेगा, अपडेट्स आता रहेगा, एंड दिस इज़ एज़ पर योर रिवाइज सिलेबस, न्यू सिलेबस जो 1920 में अभी इम्प्लीमेंट हुआ है उसके हिसाब से है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। स्टूडेंट्स, हमारे जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो क्या है कि ड्यूअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। एक साइड डेबिट, हर जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या तो वो डेबिट होगी और क्रेडिट भी होगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी होंगी हमारी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारी सिर्फ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही हो सकती हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई प्रोविज़न नहीं है, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कहीं रिकॉर्ड कर सकें। मान लीजिए आपके शोरूम के अंदर अमिताभ बच्चन आता है या शाहरुख खान आता है तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है हमारे लिए ये, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई प्रोविज़न नहीं है कि इस इंसिडेंट को आप रिफ्लेक्ट कर सकें अकाउंट्स में। मान लीजिए आपके शोरूम में 10 कस्टमर आए लेकिन 10 में से किसी ने भी कोई प्रोडक्ट नहीं बाय किया तो कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं। लेकिन हाँ, अगर एक भी कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट बाय किया है तब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी। फर्दर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अब चाहे वो कैश दे के करें या क्रेडिट कार्ड से करें या डेबिट कार्ड से करें, डेट इज़ इमटेरियल। प्रोडक्ट तो परचेज हो गया ना, ट्रांजैक्शन तो हो गई ना, तो ये जो सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होना। तो अब हम समझते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हम अक्सर कहते हैं कि एक तरफ डेबिट होगा, एक एंट्री क्रेडिट की होगी, तो एंट्री होगी कहाँ? ये इसको समझने के लिए हम समझेंगे अकाउंट में, इसकी एंट्री होती है अकाउंट में। तो हमें सबसे पहले व्हाट इज अकाउंट वो समझना पड़ेगा। तो आपको अकाउंट, अकाउंट मीन्स सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, तो नेम ऑफ द अकाउंट एक ज़रूरी है। सिर्फ से अकाउंट लिखने से काम नहीं चलेगा, नेम ऑफ अकाउंट इज नेसेसरी, चाहे वो कैश अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, वेजेस अकाउंट हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब ये अकाउंट आ गया, इस अकाउंट को हमने एक टी फॉर्म में बनाया। इस टी फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। इस अकाउंट को अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट अकाउंट, डेबिट। और राइट हैंड साइड को हम बोलेंगे क्रेडिट। इनके जो एब्रीवेशंस हैं और शॉर्ट कर दें इनको, तो इनको बोलते हैं हम DR, और इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट को और शॉर्ट कर दिया। ये एक एब्रीवेशंस हैं डेबिट और क्रेडिट के।
और अगर बिल्कुल आप हिंदी में समझो तो डेबिट का मतलब है लिया और क्रेडिट का मतलब है दिया, लिया दिया। ये टर्म बहुत ज़रूरी है समझना, लिया और दिया। इसको जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमने अगर दो नाम रख दिए डेबिट, अब हम समझेंगे कि इस अकाउंट को कैसे फिल किया जाएगा, इसके कैसे कॉलम्स होंगे, जिसको कैसे फॉर्मेट किया होगा उन कॉलम्स का। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो आएगा डेट का। डेट मीन्स डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉट टुडेज डेट, जिस दिन भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई है। फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मीन्स जो ट्रांजैक्शंस हुआ है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल्स, अगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है तो यहाँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स लिखना है। नेक्स्ट है JF, JF मीन्स जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो। ये जो है कोई पेज नंबर हो सकता है, कोई रेफरेंस नंबर है एक्चुअली, कि अगर यहाँ जो फिगर आ रही है वो किसी प्रायर किसी और अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड हुई है यहाँ पे, तो उसका रेफरेंस नंबर है जिसको हम जर्नल फोलियो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट इन रुपीज़। स्टूडेंट्स ये मैं बता दूं, जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है इसको हम हमेशा रुपीज़ में ही रिफ्लेक्ट करेंगे, हम इसको टन्स में, किलोग्राम में या वेट के हिसाब से नहीं करेंगे, डजन्स में उस हिसाब से नहीं करेंगे, सिर्फ से रुपीज़ में ही ट्रांजैक्शंस आएंगी। अब ये हमारा डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया है। अब हमने राइट हैंड साइड पर जाना है। राइट हैंड साइड के कॉलम्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया। इट मीन्स सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा क्योंकि इसमें लिखना होता है, फिर JF और फिर अमाउंट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट अकाउंट का। अकाउंट का नाम देना है, मान लीजिए कैश अकाउंट, और अकाउंट का भी शॉर्ट फॉर्म हो जाता है अकाउंट। कैश अकाउंट नाम हो सकता है, सेल्स सैलरी अकाउंट हो सकता है, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट हो सकता है, वेजेस अकाउंट। ठीक है, अगर हम कहते हैं कैश अकाउंट, अगर हमारा है, हम कहते हैं कि दिस कैश अकाउंट इज डेबिटेड बाय दिस मच ऑफ रुपीज, तो इट मीन्स यहाँ आया है वो डेबिट साइड में डेबिटेड। अगर कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड ऐसे बोला तो ये आ गया इस साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिटेड। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है अकाउंट बनाने का, जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है वैसे इसमें। अब हम चलेंगे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ। वेलकम बैक। अभी हमने मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखा, अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाना सीखा। अब हम आगे और चलेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स पे को लेके। अकाउंट्स जो हैं टू पार्ट्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन टाइप इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच कहा जाता है, ये पुरानी अप्रोच है। और सेकेंड अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच, जिसको अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। और ये अप्रोच हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम के बेस्ड है, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस का चैप्टर किया है उसके बेस पे ये मॉडर्न अपना है। एक और अप्रोच है जो मेरी अपनी अप्रोच है, उसे बोलते हैं राहुल भटनागर अप्रोच। उसमें मैं लेके इन्हीं कंसेप्ट्स को चलूँगा, लेकिन जो आपको समझाऊँगा वो अपने तरीके से समझाऊँगा,
जो आपको एक दफ़े समझ में आ गया तो आप लाइफ टाइम में उसको नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं उस अप्रोच को जर्नल एंट्रीज़ वाले चैप्टर में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ से इन्हीं को कंसंट्रेट करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को फिर से टू पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, पर्सोनल अकाउंट। एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। इसको भी हम समझते हैं, पहले पूरा चार्ट पूरा एक दफे कर लें। पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज नेचुरल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज आर्टिफिशियल, पर्सनल अकाउंट और एक और है थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अभी हम इनको समझेंगे डिटेल में। अभी आप फॉर्मेट लिख लीजिए एज इट इज। इसी तरह इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। वन इज रियल अकाउंट, एंड सेकेंड इज नॉमिनल अकाउंट। ये फॉर्मेट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इंग्लिश अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ट्रेडिशनल अप्रोच टू पार्ट्स में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के थ्री पार्ट्स हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट्स के भी दो पार्ट हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच को हम बाद में समझेंगे, पहले हम अभी समझते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और इसके सारे पार्ट्स को समझेंगे। सब में क्या डिफरेंस है हम इसको समझेंगे। तो ये समझने के लिए मुझे फिर से इसको रब करना पड़ेगा, तो अभी फिर से मिलते हैं। वेलकम बैक। अब हम चलेंगे पर्सनल अकाउंट की तरफ। पर्सनल अकाउंट्स विच रिलेट्स टू द पर्संस, जो पर्संस को रिलेट कर रहे हैं, मीन्स इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, इवन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं। अब आप कहेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पर्सनल कैसे हो गए, क्योंकि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के पीछे भी तो नाम छुपा हुआ है ना किसी डेटर का या किसी क्रेडिटर का। डेटर्स तो वो हैं टू होम वी हैव सोल्ड अवर प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट, और क्रेडिटर्स हैं फ्रॉम होम वी हैव परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसलिए डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट हैं। इनके अब पार्ट्स हैं तीन पार्ट्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। सबसे पहले लेते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्संस इट मीन्स इट रिलेट्स टू द नेचुरल पर्संस नेम, वो नाम जो हमें बर्थ के बाद हमारे पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, उसमें हमने कोई हेर फेर नहीं किया है, उस नाम से अगर अकाउंट है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मान लीजिए मेरा नाम राहुल भटनागर है, आपका नाम राम राम है, श्याम है, तो श्याम अकाउंट, राम अकाउंट, राहुल भटनागर अकाउंट, इस तरह से जो अकाउंट बनेंगे
उनको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट रिलेट्स टू द पर्सन्स विच आर नॉट नेम्ड बाय देयर एक्चुअल नेम्स। ये आपने और हमने बाद में बनाए हैं, आर्टिफिशियल नेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कंपनीज़ के नाम हैं, ये वो नाम नहीं है जो बर्थ के बाद पेरेंट्स ने दिए हैं, ये नाम बाद में रखे गए हैं। कंपनीज़ के नाम हैं, सोसाइटीज़ के नाम हैं, कॉरपोरेट बॉडीज़ के नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मुकेश भटनागर, अगर वो अपने साथ दो तीन और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिला के एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म बना लेते हैं और नाम रख देते हैं मुकेश भटनागर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एसोसिएट्स, तो ये आपका आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। इसके अलावा जो मैंने बताए कंपनीज़ के नाम हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम हो गए, वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हैं। इनके एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं, सच एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट के क्या एग्जांपल्स होंगे, एक्चुअल नेम्स राम अकाउंट, आशा अकाउंट, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के जैसे नेम ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, नेम ऑफ लिमिटेड कंपनी कुछ भी नाम हो सकता है, फर्म का नाम जो भी है वो आ सकता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या क्लब हाउसेस, नेम ऑफ क्लब, क्लब हाउसेस। तो ये इस तरह से इनके एग्जांपल्स हैं। थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट आल्सो रिप्रेजेंट्स टू ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। फॉर एग्जांपल रेंट इज आउटस्टैंडिंग, हमने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया है, हमें मालूम है लैंडलॉर्ड का नाम, लेकिन हम उस लैंडलॉर्ड के नाम का अकाउंट ना बना के हम अकाउंट बनाते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाता है रेंट आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स कि रेंट इज स्टिल अनपेड, दैट इज पेएबल टू द लैंडलॉर्ड। इसी तरह सैलरी अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, सैलरी आउट। तो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ क्या हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, और पर्सन्स तो है मालूम ही है हमको पर्सन्स कौन है। तो इसी तरह और एग्जाम्पल्स, एक जैसे एग्जाम्पल्स इसके लिख लीजिए, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, या प्रीपेड, प्रीपेड अमाउंट, कुछ भी हम प्रीपेड कर देते हैं, प्रीपेड रेंट, रेंट हो सकता है, या अनअर्न्ड इंटरेस्ट हो सकता है, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, या एक्रूड कमीशन, ये सब वो नाम है जो हम एक्चुअल नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, ना कि हम पर्सन्स के नाम पे लिखते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो मैं आपको बताता हूँ। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये रूल है डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। इस रूल को अच्छे से नोट कर लीजिए, डेबिट द रिसीवर, इट मीन्स जिसको मिल रहा है, जो ले रहा है उसको डेबिट करना है, और जिसको, जो देने वाला है, जो डेबिट, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। अब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच का अगला जो क्लासिफिकेशन था इम्पर्सनल अकाउंट, उसकी तरफ चलता हूँ, और इसको अभी मुझे रब करना पड़ेगा। वेलकम बैक।
ट्रेडिशनल अप्रोच का दो क्लासिफिकेशंस थे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम समझ चुके हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स के फिर से टू पार्ट से, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेट्स टू द टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। जो भी हमारी एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स पता ही है, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इनटेंजिबल एसेट्स हमारा पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये सब क्लियर है आप लोगों को अब। लेकिन हाँ, इसमें डेटर्स नहीं आते। रियल एसेट्स में हम डेटर्स को कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डेटर्स को हमने पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया हुआ है, इनके पीछे एक नाम है, तो पर्सनल अकाउंट में आए हैं। रियल एसेट्स में हम सिर्फ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स। रियल एसेट्स का जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल है वो मैं आपको लिखता हूँ, वो समझ लीजिए। रूल ऑफ डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है और क्रेडिट। डेबिट किसको करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो भी आ रहा है हमारे पास उसको आप डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करना है? व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है डेबिट, जो आ रहा है कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे। जो जा रहा है, मान लो हमने बाइक बेची, तो हमने बाइक बेची है तो उसका क्रेडिट गोज आउट। तो अब नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। इसका जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। जो भी खर्चा है हमारा उसको डेबिट कर दीजिए। रेंट का खर्चा है, सैलरीज का खर्चा है, वेजेस का खर्चा है, कमीशन है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है खर्चों की, वो सब डेबिट हो जाएंगे। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट ऑल इनकम, हमने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है, कमीशन अर्न किया है, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल्स से समझेंगे इन रूल्स को, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को, तो उससे आपको और कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मुझे अभी इसको फिर से रब करना पड़ेगा। वेलकम बैक। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स, चार एग्जाम्पल्स लिख के रखे हैं। आपने बताना है, सोच के बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं और इसकी क्या एंट्री बनेगी, ये बताना है। और यहाँ साइड में मैंने फॉर योर रेफरेंस पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स के डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स लिख दिए हैं। फिर से याद कर लीजिए, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। तो अब इस बेस पे आपने बताना है पेड कैश टू रमेश। इनको चारों को, आइटम्स को लिख लीजिएगा, पेड कैश टू रमेश, ये छोटा सा एग्जांपल है। तो आपने ये बताना है कि ये कौन सा रियल है या कि कौन सा अकाउंट है और इसकी क्या एंट्री बनेगी। आप देखेंगे कैश पे किया है रमेश को। यहाँ पे दो अकाउंट आ रहे हैं हमारे, कैश, कैश क्या है हमारा? रियल अकाउंट है ना।
रियल अकाउंट में क्या है हमारी, डेबिट वाज व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। तो यहाँ तो हमने कैश दिया है ना, तो कैश तो हमारा कम से कम क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि दिया है। रमेश कौन है, नाम है, नाम आ रहा है, तो नाम आ रहा है तो क्या आ गया, ये पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या है हमारे पास, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रमेश को तो मिला है ना कैश, पेड टू द रमेश, तो रमेश को मिला है, तो रमेश तो इसका मतलब हो गया डेबिट। रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री ये बनी। कितने से बनी एंट्री, 5,000 रुपीज से। ये क्लियर है। और अगला एग्जाम्पल देखें, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय। अब आपने देखने कौन कौन सा नॉमिनल है या रियल है, पर्सनल है, क्या है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, उस हिसाब से डेबिट और क्रेडिट रूल्स को फॉलो करना है। अब कैश रिसीव किया है अजय से, कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट, अजय नाम आ गया, पर्सनल अकाउंट। अजय से 1,000 रुपीज कैश मिले हैं, तो रियल अकाउंट का क्या है हमारे पास, डेबिट वाज व्हाट कम्स इन, कैश आया है, तो सबसे पहले आ गया हमारा कैश अकाउंट डेबिट। और अजय कौन है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अजय इस टाइम क्या है, गिवर है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, कितने से है ये, 1,000 रुपीज से है। सिर्फ से आपने इनको रूल्स को याद रखना है और आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे दो कौन से हमारे अकाउंट फॉलो हो रहे हैं, पर्सनल अकाउंट रियल, ये क्या है, ठीक है। और आगे चलते हैं, पेड रेंट ₹1,000, रेंट पे किया है। अब ये रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और कैश पे किया है, कैश अगेन क्या आ गया हमारा, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आपने नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली रेंट को डेबिट कर देना है। रेंट अकाउंट डेबिट टू, अब टू क्या आएगा, कैश है, कैश कौन सा है हमारा, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट, हमने कैश दिया है, इट इज गोज आउट टू क्रेडिट। कैश रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से है ये, 1,000 रुपीज से है। तो थर्ड हमारा ये एंट्री हो गई, रेंट पे कैश में किया। अब एक और ले लीजिए, अब कैश रिसीव किया है एज कमीशन, रिसीव्ड कैश एज कमीशन ₹400। कैश क्या है हमारा, फिर से रियल अकाउंट, और कमीशन इनकम है, इनकम किस में आ गई, नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का क्या डेबिट क्रेडिट रूल है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आया हमारे पास, कैश आया, तो हम सिंपली कैश को कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, कमीशन एज ए इनकम मिला है हमें, तो हम इसको कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितने से है, 400 से।
तो ये चार छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने ये समझ रहे हैं तो आपको इसका मतलब बेस समझ में आने लग गया है। इस वीडियो में इतना ही बहुत है, यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी ज़रा भी डाउट है, कुछ मन में आशंका है, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ डाउट्स रहने नहीं चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।